चापलिया विधानसभा के कानकी ग्राम पंचायत में तृणमूल कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ किया बोर्ड गठन। प्रधान बने कैसर अहमद, उप प्रधान बनी कविता देवी पासवान। कानकी ग्राम पंचायत के कुल 26 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस 4, बीजेपी 5 और 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए थे। एक निर्दल पंचायत सदस्य के तृणमूल में ज्वाइनिंग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के पास कुल 16 पंचायत सदस्य हो गए और इस तरह पूर्ण बहुमत से तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड गठन हुआ। विरोधियों ने अपना प्रधान प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, इससे प्रधान व उप प्रधान दोनों का ही सिलेक्शन हो गया। इस पंचायत की बात करें तो 2018 पंचायत चुनाव में ये बीजेपी व फॉरवर्ड ब्लॉक ने मिलकर बोर्ड गठन किया था, किंतु 3 साल चलने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी व फॉरवर्ड ब्लॉक के गठबंधन को तोड़ दिया और तृणमूल की प्रधान बनी थी नाजिया हसीब। इसके बाद 2021 विधानसभा चुनाव में कानकी ग्राम पंचायत में तृणमूल कांग्रेस को लीड मिली थी और वही लहर पंचायत चुनाव 2023 में भी दिखा। कुल 26 में से 15 सीट जीतकर तृणमूल कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से बोर्ड गठन कर प्रधान उप प्रधान बना लिया। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा चाकुलिया का लीडरशिप, एमएलए साहब, ब्लॉक लीडरशिप में जितने लोग हैं, अनवर भाई, जहांगीर मामा, वो लोग हमारे अंचल प्रेसिडेंट, जितना अंचल कमेटी है और फिर हम लोग का जो मेंबर है, जो लोग जीत करके आए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो हम लोग का जश्न का टाइम है, थोड़ा जश्न करने दीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे बैठ करके कि फिर क्या करना है। देखिए, हमारा 4 जीपी जिला परिषद एरिया में 10 नंबर 10 नंबर जेडपी जो है उस एरिया में, चारों अंचल में हमारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ हम लोग तृणमूल कांग्रेस का प्रधान प्रधान हम लोग गठन कर रहे हैं। और आज से हम लोगों का, मेरा खासतौर से मेरा एरिया में आज से जो समाप्त हो गया है। और अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ, जिसका रुझान है तृणमूल कांग्रेस को चाहता है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नीति आदर्श असूल काम काज को लेकर के आप देख रहे हैं कि हमारा, अब देख लीजिए कि हमारा चाकुलिया विधानसभा में जिस तरह से काम हो रहा है, हमारे विधायक मिनाजिल आरफिन आजाद की लीडरशिप में, रहनुमाई में जो काम हो रहा है आज, शायद ये मिसाल कायम होगा कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे 34 सालों से, 44 साल से कोई काम नहीं कर पाए, और आज हमारे विधायक जो काम कर रहे हैं वो काबिले सराहना है। हर आदमी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में इतने सारे काम हो रहे हैं, इसका नतीजा ये है कि आज हमारे, मेरा 4 जीपी के अलावा भी और भी जीपी में, हमारे पूरे विधानसभा में जो है तृणमूल कांग्रेस के एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ हम लोग प्रधान गठन कर रहे हैं। और आदमी के अंदर उत्साह भी है, आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में जो वीर है, गाड़ियां है, उसको लेकर के लोग हमेशा जो है इसके साथ रहना चाहते हैं। चकोलिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम जो है यहाँ के कानकी, हमारे जितने भी कानकी के जनगण है, जनता है, सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज हमारे कानकी जीपी में कैसर अहमद को प्रधान के तौर पर चुना, उप प्रधान के तौर पर कविता देवी पासवान को चुना, इसके लिए मैं उन लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह से हम लोगों का, तृणमूल कांग्रेस का झंडा बिल्कुल बुलंद रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया। ये जीत एक्चुअल में हमारे MLA मिनाजुल आरफिन आजाद की है, क्योंकि हमारा MLA होने के बाद जिस तरह से ये डेवलपमेंट का काम हमारे इलाके में हुआ, जिसका परिणाम यहाँ के अवाम यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी देकर के प्रधान गठन को ये सौगात दिया है। और मुझे जहाँ तक याद है, हमेशा कानकी जीपी में कोएलिशन की सरकार रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस, कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक, कभी CPM फॉरवर्ड ब्लॉक, लेकिन इस बार पहली बार जो है कानकी जीपी में हमारा TMC का फुल बहुमत के साथ यहाँ पर प्रधान हमारा कैसर आलम को किया गया है और कविता देवी पासवान को जो है उप प्रधान के रूप में यहाँ बनाया गया है। इसका सारा क्रेडिट हम हमारे चाकुलिया के MLA जनाब मिनहाजुल आरफिन आजाद साहब को देंगे, क्योंकि वो 2021 में जीतने के बाद कानकी में डेवलपमेंट का जो काम किए, उसी के कारण आज जनगण तृणमूल कांग्रेस को वोट दे करके जिताया है। हम लोग का मेजोरिटी हुआ है और आज हम लोग, हमारे लीडरशिप जो हमारे प्रधान थे, उसी को फिर से प्रधान बनाया है। इसके लिए हम हमारे कानकी अंचल के जनता का शुक्रिया अदा करते हैं और लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कानकी अंचल के
जितने भी निवासी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से। आज हमारे कांकी ग्राम पंचायत का गठन हुआ, अब जानते ही हैं कि जो हम लोग का निर्विरोध चुना गया, जो ओपोजिशन वाले थे वो लोग कैंडिडेट नहीं दिए हम लोगों के अगेंस्ट में, और हम लोगों का 26 में से 15 जीता हुआ था, लेकिन 16 मेंबर हम लोगों के साथ थे आज। और ये सब क्रेडिट हमारे एमएलए मिनाजुल आरफिन आजाद के ऊपर जाता है, क्योंकि हम लोगों का ग्राम पंचायत नहीं था, 2 साल पहले वो ग्राम पंचायत भी किसी तरह से ला दिए थे, उसके बाद उन्नयन का काम जो हुआ यहाँ, उनका जो इनका दौरा रहा इस इलाके में, उसका नतीजा है कि जो हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कांकी ग्राम पंचायत को दखल किया।